हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी के जो 10 डेज है उसमें आपको सीएसआईआर की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप जो है सीएसआईआर नेट का एग्जाम जो है वो इजिली क्रैक कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग ने जो सीएसआईआर की प्रिपरेशन है बहुत लोग जो है वो 3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लोग 6 मंथ पहले स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे के बहुत लोग जो है ईयरली जो है सीएसआई की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं कि आप जो है 10 डेज में आपको कैसा प्लान होना चाहिए और आपको जो है अपना सीएसआई एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट 10 डेज का। तो आई होप आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट जो है पूरा कंप्लीट कर ली होगी, साथ ही साथ आपने जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स वो भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आप जो है इस टाइम रिवीजन कर रहे होंगे। तो आई होप आप सबका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो रहा हो। तो देखिए, अब मैं आपको इस जो लास्ट 10 डेज में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे क्या होता है वो मोस्टली जो हो 10 डेज में वो पूरा जो फोकस करते हो थ्योरी पोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड करें 2 कैटेगरी में तो कैटेगरी 1 हो जाएगी जिसमें जो है 90% जो स्टूडेंट हैं वो थ्योरी प्रिपेयर करते हैं और जो 10% वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वहीं कैटेगरी 2 की हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि बहुत से बच्चे 90% या 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो रिमेनिंग 10 या 20% वो अपना टाइम जो है वो देते हैं थ्योरी पे। तो मैं आपको बताऊं कि आपको किस किस चीज़ पे जो है फोकस करना है। ठीक है, अगर हम बात करें कैटेगरी 1 की, जहां बच्चे जो है वो 80-90% वो मोर फोकस कर रहे हैं थ्योरी पे, क्योंकि आखिरी दिन बचे हैं, लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं और आपको भी जो है पूरा फोकस करना पड़ेगा अपना थ्योरी पे। लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं कि जो 10% या 15% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सीएसआईआर का जब एग्जाम है, ठीक है, उसमें देखिए सी पोर्शन में क्या है कि वहां पे आपके जो है कोई रिसर्च एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन रहते हैं, कुछ आपके एनालिटिकल क्वेश्चन रहते हैं पार्ट सी में। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसको अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं रिवाइज किया है, नहीं पढ़ा है, तो आप उन सी पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास 10 डेज बचे हुए हैं तो आप जो है मोस्टली जो फोकस करिए वो थ्योरी पे करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है ये सी पार्ट या पी पार्ट के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जो थ्योरी का रिवीजन है वो कंपलसरी है, वो आपको 10 डेज में जितना मैक्सिमम हो सके, और जो भी यूनिट है सीएसआई की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, उन सबको मैक्सिमम आप जो है रिवाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है कैटेगरी 1 है जिसमें जो स्टूडेंट्स वो 90% जो है वो थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं और जो 10% है वो फोकस कर रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, तो इनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये जो है अपना थ्योरी पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा इनके माइंड में रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन अगर ये देखेंगे सीएसआईआर में पार्ट बी या पार्ट सी में तो इनके माइंड में रिवाइज हो जाएगा, वो क्वेश्चन जो है इजिली वो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है और जो थ्योरी वो इन्होंने रिवाइज किया है। ठीक है, अब वही बात करें पार्ट लाइक कैटेगरी 2 की, जिसमें जो बच्चे हैं वो फोकस कर रहे हैं मोर, मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो चांसेज वो सीएसआईआर को क्रैक करने के लिए वो थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसे आप मैक्सिमम 5 डेज या 10 डेज ही अपने ब्रेन में रख सकते हैं, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे जो है आप वो चीज़ भूलते चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको जो है थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ते रहना है और साथ ही साथ जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो कैटेगरी 2 है जिसमें मोस्टली जो बच्चे हैं वो ट्राई करते हैं कि 80-90% वो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ क्या होता है वो थ्योरी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी फोकस नहीं कर पाते। अब क्या होता है जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो क्या होगा कि वो जो है अपना जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक है उसे रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सपोज अगर पार्ट सी में कोई क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आए, फॉर एग्जांपल हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसमें अगर हार्मोन सिग्नलिंग, तो उसमें बहुत से आपको जो रिसेप्टर याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होता है आपको वो रिकॉल करना पड़ता है। अगर आपने थ्योरी को रिवाइज नहीं किया एग्जाम से पहले तो आप जो है उन टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे पार्ट सी में हार्मोन सिग्नलिंग से रिलेटेड या और भी जो एनिमल सिग्नलिंग से रिलेटेड, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप जो है नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है थ्योरी को रिवाइज करना होता है। तो इसमें देखिए जो कैटेगरी 1 के बच्चे होते हैं जिन्होंने पूरा फोकस किया होता है 80-90% थ्योरीज को रिवाइज करने में, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि वो जो है कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टाइप का जो टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है अगर उन्होंने रिवाइज किया है तो वो उसे इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया एक पार्ट वन, यानी कि कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के टाइप से बच्चे की कौन कौन से जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, पार्ट वन कैटेगरी में बहुत से बच्चे जो हैं वो फॉल करते हैं, दूसरी कैटेगरी में जो कैटेगरी टू इसमें भी बहुत से बच्चे हैं वो फॉल करते हैं। ठीक है, तो इन दो कैटेगरी की मैंने आपको मेरिट्स बताया और डीमेरिट्स बता दिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे या आप जो है सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कि ये एक अच्छी बात है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब मिनी जब आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 10 डेज लेफ्ट हैं। ठीक है, अब 10 डेज लेफ्ट हैं तो आप क्या करेंगे कि अगर आप तब भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो थ्योरी है वो रिवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब थ्योरी नहीं रिवाइज हो पाएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है मे बी आप वो भूल सकते हैं, या आपने किसी टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, और आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको मिनिमम ये 10 डेज में आपको जितनी भी आपकी यूनिट है 9 to 10 यूनिट्स हैं उसे आपको रिवाइज करना चाहिए ताकि आप जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपकी जो थ्योरी है वो आप जो है रिकॉल हो सके। ठीक है, अब देखिए अब अगर बात करें हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने की, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो वो सोचते हैं कि चलो अभी 10 डेज हैं तो लगभग 2 to 3 डेज में लाओ हम कुछ और नया टॉपिक उठाते हैं उसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर सपोज आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका मिस हो गया है और आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी छोटा मोटा जो टॉपिक है वो आप 2-3 दिन के लिए उठा सकते हैं, उसे आप जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन ये टॉपिक मैंने उठाया है ये 2 to 3 डेज में मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे जो है अगर आपको लगता है कि मैं 2 to 3 डेज में मैं उसे कंप्लीट कर सकता तो आप वो टॉपिक उठा सकते हैं और वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। ठीक है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप जो है इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लाना होगा। अब देखिए आप सपोज 10 डेज बचे हुए हैं, 10 डेज में आपने जो है 6-7 डेज आपने क्या किया अपना जो टॉपिक्स या हम बोल सकते हैं अपना जो आपने थ्योरी है जो आपने पढ़ा है उसे आप अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं तो उसके लिए बाद आप जो है एक अपना खुद का एक एग्ज़ाम ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि आप जो है कोई भी लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई भी जो एक पेपर है आप CSR एग्जाम का, चाहे तो वो 2015 का हो, चाहे 16 का हो, 17, 18, 19, ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक पेपर ऐसा ले सकते हैं जिसके आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं किए हो। ठीक है, अब सपोज आपका जो है आउट ऑफ 10 डेज 8 डे आपने अपना थ्योरी पूरा रिवाइज कर लिया, आप श्योर हैं कि मैंने अपना पूरा जो है थ्योरी पोर्शन वो क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है मेरा और मैंने सारे यूनिट्स हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आप एज अ प्री एग्जाम आप जो है CSIR का एक पेपर जो है किसी भी ईयर का लास्ट 5 ईयर में किसी भी ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप जो है कितने टाइम में जो है कितना पेपर सॉल्व कर ले रहे और आपको पता रहे कि आपने जो भी यूनिट पढ़ी है, ठीक है, जो भी आपने यूनिट अभी तक पढ़ी है उनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो आप इजिली जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे होगा क्या, एक तो प्लस पॉइंट ये आपके रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, साथ ही साथ आपको यही पता रहेगा कि आप जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको कितना टाइम लग रहा है ईच पार्टिकुलर जो पोर्शन है उसे सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल पार्ट ए को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, पार्ट बी को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, पार्ट सी को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, एक बस आपको कोई भी लास्ट 5 ईयर में 1 ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको लेकर जो है आप ये चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये भी रहेगा लेकिन कि अगर आपने क्वेश्चन कोई भी आपने सपोज पेपर उठाया और आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब आप थोड़ा डीमोरलाइज हो सकते हैं, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो और आप अगर उससे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक जो नेगेटिव चांस है या नेगेटिव इफेक्ट जो माइंड में आ जाता है वो आ जाता है। लेकिन अब ये जो निगेटिव इफेक्ट रहेगा एटलीस्ट आपको पता रहेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि आप जो कितना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में या पार्ट ए पार्ट बी या पार्ट सी को सॉल्व करने में, और प्लस पॉइंट्स का ये भी रहेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी है। अगर आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया और आप मोस्टली जो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब आप जो है CSIR का एग्जाम देने जाएंगे तब जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि यार मैंने जो है ऑलरेडी एक पेपर सॉल्व किया है तो उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है और ये जो पेपर है जो CSIR का एग्जाम है ये भी मैं इजिली जो है वो सॉल्व कर लूँगा और अपना जो CSIR का एग्जाम है वो इजिली मैं क्रैक कर लूँगा।
ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि आपको 10 डेज से पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये आप अपने माइंड में रखें और एग्ज़ाम देने अच्छे से जाएँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जो टिप्स हैं वो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CSIJRF एग्जाम। थैंक यू।